जय हिंद दोस्तों, एन जी सी एस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑफसेट एंटिटीज को यूज करना सीखेंगे। ये सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज का 12वां ट्यूटोरियल है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। ये ज्योमेट्री हम लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट किए थे। अब मान लीजिए कि इसका ऑफसेट में सेम ऐसा ही ज्योमेट्री क्रिएट करना हो, तो हमें फिर से सेंटर रेक्टेंगल लेके और उसे फिलेट देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम ऑफसेट एंटिटीज का यूज करते हैं। ये देखिए ऑफसेट एंटिटी, अब इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये बाई डायरेक्शनल नहीं, हमें एक ही डायरेक्शन में चाहिए। 10 mm ऑफसेट, ऑफसेट जितना रखना है, जैसे हम 5 mm ऑफसेट रख लेते हैं, 5 mm ऑफसेट। ये एड डायमेंशन, ये सेलेक्ट चेन, सेलेक्ट चेन करेंगे तो ये एक पॉइंट को, एक एज को सेलेक्ट करेंगे, ये चारों ओर से ऑफसेट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ये देखिए ये ऑफसेट हो गया। चलिए इसको 10 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए हमें चाहिए कि दोनों डायरेक्शन में चाहिए, बाहर भी और अंदर भी, तो इसको बाई डायरेक्शनल कर लेंगे तो ये अंदर में भी ऑफसेट हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो इसको बेस बेस में जो ज्योमेट्री है उसे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बना सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बन जाएगा। अगर चाहें तो हम ऑफसेट को भी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको ओके करेंगे, ये बन के रेडी हो गया, ये बन के रेडी हो गया ऑफसेट एंटिटी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।